राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यदि हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बीच में कभी ना कभी मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि आपके बीच में मनमुटाव बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी चीज अगर आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर या आपकी वाइफ डिस्कस करते हो तो आप में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आपकी बनती नहीं है। तो देखिए, हमारे घर में, हमारे बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से हमारी बनती नहीं है, तो कुछ चीजें आपको ऐसे अपने रूम में बदलनी है, बदलाव करना है उनमें, जिससे कि आपके बीच के जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाए। तो कुछ ऐसी वास्तु टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको आप यदि फॉलो करते हैं, जिनको आप अपने घर में रखते हैं, तो आपके बीच में इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। देखिए, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता भी ही नाजुक डोर से बंधा होता है। अगर इसमें जरा सी भी नोक झोंक बन जाए तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। अगर आपको भी अपने जीवन साथी से प्यार नहीं मिल रहा, या अक्सर आप पति पत्नी में तनाव का माहौल बना रहता है, तो इसमें जिम्मेदार घर के वास्तु दोष हो सकते हैं, क्योंकि वास्तु दोष भी कपल्स की शादीशुदा जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता हमेशा मजबूत व इसमें हमेशा प्यार का माहौल बना रहे, तो जो भी मैं आपको वास्तु टिप्स बता रही हूं, वो आप फॉलो जरूर करें। सबसे पहले आप अपने बेडरूम की सही दिशा देखिए कि आपकी बेडरूम की सही दिशा है या नहीं है। देखिए, वास्तु के अनुसार बेडरूम का लोकेशन दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए और इसी कोने में बेड भी रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार और भरोसा बढ़ेगा। पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व कोने में बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव बढ़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप नहीं चाहते हो कि आप में किसी प्रकार का तनाव बढ़े, तो आप दक्षिण पूर्व कोने में बेडरूम नहीं रखें। दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना है, सिरामिक की विंड चाइम्स आप रखें। देखिए, यदि आप पति पत्नी आपस में बिल्कुल नहीं आप लोगों की बनती है, तो अपने बेडरूम में सिरामिक की विंड चाइम्स लगाएं। इससे आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा और रिश्तों में बड़ी दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी। तो आप सिरामिक की विंड चाइम्स लगा सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहती है। बेडरूम में लव वर्ड रखें। देखिए, कहते हैं कि बेडरूम में लव वर्ड, मैंड्रेन, डक जैसी पक्षी की छोटी मूर्तियों का जोड़ा रखने से भी पति पत्नी के बीच का तनाव कम होता है और घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। तो आप बेडरूम में लव वर्ड रख सकती हैं। राधा कृष्ण का तो नाम ही प्यार से जुड़ा हुआ है, तो राधा कृष्ण की अगर आप कोई भी पेंटिंग्स इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपका दोनों में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रिश्ते में तनाव बना रहता है, तो अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की पेंटिंग या मूर्ति, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। जिस प्रकार राधा कृष्ण में प्यार था, आपका रिश्ता भी उसी प्रेम में तब्दील हो जाएगा। बेडरूम में क्रिस्टल रखें। देखिए, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में कांच या सिरेमिक पॉट में छोटे छोटे पत्थर या क्रिस्टल्स डालकर लाल रंग की दो मोमबत्तियां जलाएं। इससे घर में सकारात्मकता फैलती है और अच्छी ऊर्जा मिलती है और आपकी जो जोड़ी है वो सलामत रहती है। आपके बीच में जो बार बार लड़ाई झगड़े होते वो भी खत्म हो जाते हैं, तो आप क्रिस्टल्स रख सकती हैं। इसके साथ ही बेडरूम में जो रोशनी है, उस रोशनी का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। बेडरूम में प्रकाश व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पलंग पर सीधी सूरज की रोशनी ना पड़े, क्योंकि यह पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ाने का काम करती है। बेडरूम में रोशनी हमेशा पीछे या बाईं ओर से आना चाहिए, बेडरूम के दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो इससे अशांति का माहौल बना रहेगा, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको सजावटी गमले रखने हैं, कुछ फ्लावर वाज आप रख लीजिए, फ्लावर पॉट रख लीजिए, ये जो कमरे को एक पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, अच्छे रहते हैं, तो ये भी आप रख सकते हैं। देखिए, पति पत्नी के प्रतीक के रूप में बेडरूम में दो सुंदर सजावटी गमले रखें। इनसे आपकी शादीशुदा जिंदगी सुखमय होगी और यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण आपके घर में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो सुंदर से बाउल में पवित्र क्रिस्टल को चावल के दानों के साथ मिलाकर रखें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो आप कर सकती हैं। इसके साथ तो आपकी ड्रेसिंग टेबल है, वो भी सही जगह होनी चाहिए। ड्रेसिंग टेबल की अगर दिशा सही नहीं है तो वो भी एक नेगेटिविटी फैलाती है। तो बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल कभी भी खिड़की के सामने ना रखें, क्योंकि खिड़की से आने वाली लाइट परावर्तित होने से आपको परेशानी होगी। ध्यान रखें कि आईना भी बेड के बिल्कुल सामने ना हो, क्योंकि पलंग के सामने आईना होगा तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे, आपका जो भी रिश्ता है वो हमेशा उसमें तकरार बनी रहेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान
ध्यान रखना है। तो ड्रेसिंग टेबल भी आप सही दिशा में रखें, उसका शीशा बिल्कुल आपके फ्रंट में ना होना चाहिए। तो डियर मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको जितना हो सकता है आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।